काट दी। क्यों, क्या हुआ? इस खेल में क्या बुरा है? ऐसे नहीं पढ़ा जाना मुझसे, इनको तो मैं बता के आती हूँ कि आज पापा आएंगे तो तुम लोग को बताएंगे। यस, मैं ज्यादा जीती। ओए ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ। ओहो, इन लोग का कब शोर खत्म होगा? इनकी वजह से मैं पढ़ नहीं पा रही और याद भी नहीं हो रहा मुझसे। मैं बच गई। आज तो पापा को आने दो, मैं बताऊंगी पापा को कि जब भी मैं पढ़ने लग जाती हूँ ना तो ये साथ ही उधम मचाने शुरू हो जाते हैं, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। ऐसे नहीं पढ़ा जाना मुझसे, इनको तो मैं बता के आती हूँ कि आज पापा आएंगे तो तुम लोग को बताएंगे। क्या हुआ? आपने मेरी सारी गेम खराब कर दी। मैं पापा को कहती हूँ ये मेरी गेम खराब कर रही है। आओ सुनैना, तुम भी हमारे साथ खेलो, बहुत मजा आ रहा है। आओ। ये कैसा खेल है? क्यों, क्या हुआ? इस खेल में क्या बुरा है? सारा घर गंदा कर दिया। माई दफी, ये तो हमारा टाइम वेस्ट कर रही, चले हम खेलते हैं। चलो। मैं बच गई। ओए मायदा, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं मायदा, ये क्या बदतमीजी है? घर का तुमने सिर्फ 2 मिनट में पूरा हाल बिगाड़ दिया है। हायदा भी, आप भी आ जाए, हम खेलते हैं। नहीं नहीं भाई, मुझे कोई ऐसा खेल नहीं खेलना। तुम लोग क्या बच्चों ऐसा वाला खेल खेल रहे हो? हायदा भी, सच्ची में बहुत मजे का खेल है, आए तो जरा, है ना? मेरी बात सुनो, यहाँ बैठ के खेलो, अगर नहीं खेलना ना बैठ के तो कुछ पढ़ो। पढ़ाई? हायदा भी, अभी तो स्कूल से पढ़ के आए हैं। लेकिन ये खेल नहीं खेलना, ठीक है? मैं वहाँ पे पढ़ रही हूँ, तुम लोग का शोर वहाँ तक आ रहा है, अगर नहीं सुना ना मैं पापा को बता दूंगी। अच्छा हायदा भी, हम नहीं करते शोर। ये देखे, रख दिया हमने तकिए। अच्छा ठीक है, मैं वहाँ पे पढ़ रही हूँ, लेकिन हॉल समेट के बैठना जो भी करना है। चलो ठीक है, हम सारे समेट लेंगे। चलो मैं जा रही हूँ। शुरू हो गया ये लोग। कौन आ गया इस वक्त? पापा ने तो ले लिया। चलो देखती चल के। हेलो गई पापा, अब मुझे नहीं थी, मैं क्या करूँ? ऐसे करके मायदा के साथ पढ़ती हूँ। और कौन आया होगा इस टाइम? लोग बेल बजी ना, साथ ही चुप करके बैठ गए। आ गई भाई, पता नहीं कौन आ गए। जी अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम बेटा। बेटा थोड़ा शोर कम करो, मैंने दवाई खा के सो रहा था तो शोर बहुत आपका आ रहा था, तो नींद नहीं आ रही। प्लीज, बीमार हूँ, ठीक है? इट्स ओके अंकल, अब शोर नहीं होगा, मैं उनको समझा दूंगी। ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ। मायदा कुछ शर्म करो, वहां से बीमार आदमी आके बोल रहा है कि आप लोग का बहुत शोर आ रहा है, आप जरा अपना शोर कम करें। मायदा पे हमने समझा, पापा आ गए थे। अपना आना, तुम दोनों इधर मुंह करो, चलो। हम लोग को ना जरा से भी ना अपने हमसायों की कोई फिक्र नहीं है। क्यों आयदा पे, क्या हुआ? देखा नहीं हमारे दरवाजे पे अंकल आए थे, और क्या बोल के गए कि आपके घर से बहुत शोर आ रहा है। वो हायदा पे, मायदा पे की गलती है ना। अरे मुझ पे इल्जाम लगा रही हो, झूठी
इंसान हाइदा पे, इसने ही मुझे कहा था हाइदा पे चली गई है, चलाओ हम लोग खेलते हैं फिर से। नहीं मैंने बाद में पूरा था, चुप करके खेलें। ओ वो इसने कहा था कि अपनी आहिस्ता आवाज रखो, हाइदा पे फिर बोलेंगी, ये बोला था तुमने। अब आने दो पापा को, पापा से ही बात करूंगी। तुम लोग को एक दफा वॉर्न किया था कि चुप करके बैठ के खेलो, लेकिन तुम लोग ने नहीं सुना। अब आने दो पापा को, पापा से ही बात करूंगी, आई समझ तुम दोनों को। हाइदा पे पापा को मत बताना, देखे अब हम बैठ गए ना पढ़ने। हाइदा पे ये सही कह रही, पापा को ना बताना, हम पढ़ने बैठ तो गए हैं, मगर ये नहीं बैठी, इसके हाथ में बुक नहीं, मेरी बुक के साथ ही लगी हुई है। भाई तुम दोनों ने मेरा ख्याल नहीं करना, कम से कम हमसाये का ख्याल कर लो, बीमार आदमी है वो। सॉरी हाइदा पे, हमारी वजह से शर्फू अंकल डिस्टर्ब हुए। मायदा जहाँ पर आप लोग रहते हो ना, वहाँ पे सुकून से रहना चाहिए ताकि दूसरे डिस्टर्ब ना हो, आपके नेबर्स। सॉरी हाइदा पे, अब हम नहीं करेंगे शोर, अब हम अपने नेबर्स का ख्याल रखेंगे। चलो ठीक है, आप दोनों ने पढ़ना है ना, चलो आओ एक साथ पढ़ते हैं कमरे में, आ जाओ। ठीक है हाइदा पे, उठो उठो चलो। आए आ जाओ भाई, आज तो सही मुकाबला होगा। हाइदा पे आप मुझसे रेस जीत नहीं सकती, लगा ले शर्त। अच्छा तुम जीतोगी, लेकिन भाई मैं शर्त नहीं लगाती, एक बात बता दूं कि जो हारेगा ना हम तीनों में से, वो चीज खिलाएगा, ठीक है? चीज हाइदा पे, ठीक है हाइदा पे, रेस तो जीतूंगी मैं। चलो फिर हो जाए। हाँ जी मायदा साहिबा, 1 2 3 गो। आप ही रुके। क्या हुआ गुड़िया, मैं क्यों रोके? अच्छी भली रेस स्टार्ट होने लगी थी। आप ही, मैंने भी रेस लगानी है। आपको भी रेस लगानी है, आप तो छोटी बच्ची हो। देखना आप ही, मैं जीत के दिखाऊंगी। हाइदा पे इसने कहा जीतना है, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, चलो रेस लगाते हैं। आप ही, मैं रेस लगाऊंगी, साइकिल बहुत अच्छी है। हाइदा पे अगर वो बच्ची कह रही है तो उसके साथ लगा लेते हैं रेस। चलो हार तो इसने जाना ही है, लगा लो रेस आप बच्ची। चलो फिर आ जाओ गुड़िया, हमारे साथ रेस लगाओ। हाइदा पे इसने तो हार जाएगी, ये कैसे हमें चीज खिलाएगी? उसको छोड़ो, वो तो वैसे हार जाएगी, नहीं कुछ होता, लेकिन हम तीनों में से जो थर्ड आएगा ना वो पार्टी देगा, ठीक है? ठीक है, रेडी फिर 1 2 3 गो। मैं जीतूंगी हाइदा पे, यस। हाँ हाँ Yes, हाँ, मैं आगे निकल गई। मैं आगे निकलूंगी। रुको मैं भी हार रही हूँ, मैं जीत के दिखाऊंगी। क्यों जाना, तुम तो लास्ट में हो। अरे मुझे कोई अभी तक क्रॉस ही नहीं कर पाया। हाइदा पे देखना, मैं जीतूंगी। हाइदा पे क्यों रुक गई है? अब मुझे जीतने के लिए ना दूसरी तरतीब करनी पड़ेगी, सोचती हूँ आइडिया। रुके रुके हाइदा पे। अरे क्या हो गया ज़ैनब, क्यों रुके? रेस चल रही है हमारी, हार जाएंगे हम और मायदा जीत जाएगी। हाइदा पे जब आगे निकलेंगी तो ही जीतेंगी ना, वो तो पीछे रुक गई है। अरे पागल, तुम्हें नहीं पता वो शॉर्टकट मारने के लिए ढूंढ रही होगी रास्ता कि कहां से निकलूं मैं। अच्छा शॉर्टकट? हां जी चलो बोलो। अरे गुड़िया हट जा। अरे मुझे चोट लगी, आप ही देख के नहीं चला सकते, इधर मैं थी। अच्छा मैं देख के चलाता हूँ, आगे पीछे ऐसे घूम रही थी। आप ही इधर से मैं चला रही थी, आप उधर चलाओ। अच्छा गलती खुद की और मुझे कह रही उधर चलाओ। जी आपकी गलत थी, ये देखो मेरी साइकिल टूट गई। टूट गई है तो क्या हुआ, नहीं आना था ना मेरे रास्ते में। चलो वैसे भी तुमने कहाँ से जीतनी है रेस? देखना आप ही, मैं जीतूंगी रेस। चल चल देख लेते हैं कौन जीतता है, मैं तो जा रही हूँ, देखना मैं ही जीतूंगी। लोग भी रास्ते में पत्थर फेंक देते हैं भाई, अब उठूं कैसे, इतनी जोर की लग गई। आए कोई तो मदद करे मेरी।
हाइदा पे भी आगे निकल गई, जैनब भी आगे निकल गई और वो छोटी बच्ची भी आगे निकल गई। अब किससे मदद मांगू, कोई तो इधर नजर ही नहीं आ रहा। हाइदा पे हम जीतने वाले वाइटलाइन के पास हम पहुंच गए। अरे जैनब रुको रुको, क्या हुआ? व्हाइट लाइन के पास पहुंचने से पहले तो हाइदा नजर आ गया, वो तो उसके पास गिरी हुई है। हाँ? क्या हुआ? चलो चलो जल्दी। अरे हाइदा तुम्हें क्या हुआ, नीचे क्यों गिरी हुई हो? शुक्र है हाइदा पे आप आ गई, मुझे आके उठाए, इतनी जोर की चोट लगी है। अरे हाइदा पे बड़ी जोर से चोट लगी है। अच्छा भाई उठाती हूँ मैं तुम्हें, उठो। ओहो तुम ये तो बताओ गिरी कैसे, उठो उठो, उल्टे काम मत किया करो ना, बताओ कैसे गिरी हो। उठो स्टैंड लगा देती हूं। लगाओ स्टैंड, बताओ भाई। हाइदा पी ये आप लोगों को पत्थर नजर आ रहा नीचे, इसकी वजह से गिरी हूँ, तो देख क्या चलाया करो ना। और लोग भी रास्ते में पत्थर फेंक देते, मेरे ही रास्ते में आना था। हाइदा पी ध्यान से चलाना था ना, हम भी तो पत्थर के पास से गुजर के गए थे। वैसे हाइदा चोट तो नहीं लगी ना तुम्हें? हाइदा पे बस ये चोट लगी है, दर्द नहीं हो रहा। अब ध्यान से चलाना। और हाँ एक और बात बतानी थी, वो देखो जिस बच्ची को तुम कह रही थी ना कि हाइदा पे, वो तो हार जाएगी, छोटी सी साइकिल है ये वो देखो विनिंग लाइन के पास पहुंच गई है। अब तो तुम्हें चीज खिलानी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि हम दोनों तो जीतने लगे थे, तुम्हारे चक्रों में वापस आए थे यहाँ। अच्छा हाइदा पे चले कोई बात नहीं, आप दोनों को ही तो खिलानी है, बहनों को खिलानी है और किसको खिलानी है? हम दोनों को तो तुम्हें खिलानी पड़नी है, लेकिन वो भी हमारी रेस में थी वो छोटी बच्ची, समझ आई? चले हाइदा पे हार तो मैं गई हूँ, चलते हैं और उस बच्ची को भी लेकर चलते हैं चीज खिलाने के लिए। चलो ठीक है साइकिल लो, मैं भी लेके चले आए आ रही हूँ। चलो भाई चले हाइदा पे अब उस गुड़िया के पास। आप कर थी और जूती तो फिर मैं जीत गई। अरे वाकई गुड़िया आप तो बहुत अच्छी तरह जीत गई और हाइदा को हरा दिया। वाह भाई वाह, हाइदा को किसी ने हराया। हाइदा की उस बच्ची के सामने मेरी बेइज्जती ना करें। हैं मैं कैसे जीती? आप ही तो कह रही थी मैं हार जीती हूँ, देखा मैं जीत गई। ला 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 पुपू, अब मुझे चीजी खिलाओ। इतने खुश ना हो, मेरी साइकिल के आगे पत्थर आ गया था और मैं गिर गई थी, वरना तो मैंने ही जीतना था। जीती तो आपने, मैं जीती हूँ। अरे बाबा तुम ही जीती हो, मैं कौन सा कह रही हूँ मैं जीती हूँ। चलाओ जबरदस्ती की तुम्हें चीज खिलाऊं। चलो ये मैं जीत गई।